127 का आंकड़ा आपकी इंडिया गठबंधन पार कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे विश्वास है राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मेहनत की, खड़गे जी का नेतृत्व मिला, सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन हुआ, तो ये तो 298 के पार जाएंगे जी। और सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की और देश को वो अधिकार मिलेंगे जिसके लिए वो सोचते थे। राजीव गांधी जी ने देश को एक नया मोड़ दिया था, 21वीं सदी की ओर मोड़ा था, जिसमें किसानों की बात, महिलाओं की बात और नौजवानों की बात, मजदूरों की बात, महिलाओं को किस तरह से उनकी सुरक्षा की जाए, नौजवानों को रोज़गार कैसे दिया जाए, बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, देश का हर व्यक्ति जो त्राही त्राही कर रहा था महंगाई से, वो महंगाई और देश के संविधान के ऊपर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बनाया था, उस संविधान पर देश कैसे चले, उस बात को लेकर जनता ने वोट किया है। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। देखिए, दिल्ली की बात एक अलग है, दिल्ली भारत की राजधानी है बेशक, लेकिन यह मिक्स पॉपुलेशन है और कुछ गलतियाँ कहीं कहीं हो जाती हैं, हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई होंगी हमसे, तो जिस वजह से ये दिल्ली का प्रदर्शन है, लेकिन ओवरऑल पूरे देश की बात है या देश की जनता की बात है, देश के अधिकारों की बात है, देश के किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, नौजवानों की बात है, जिसमें बेरोजगारी को कैसे दूर करना है, हर हाथ को काम कैसे मिले, हर घर को छत कैसे मिले, हर पेट को रोटी कैसे मिले, शिक्षा कैसे हो, ये सब चीज़ें मायने रखती है और उसका जनता ने पूरा भरपूर सहयोग दिया है। 3 बज रहे हैं मैडम, स्वस्थ हैं कि सरकार बनने जा रही है कांग्रेस का? मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री कौन होगा मैडम? आप कांग्रेस? देखिए, ऐसा है, वो इंडिया गठबंधन बैठ के जब फैसला करेंगे उसमें ये काम होगा। कृष्णा तिलक ने कह दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और प्रधानमंत्री पर बड़ी बात कह दिया कि गठबंधन के सहयोगी दल बैठकर इस पर तय करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील के साथ कौशलेंद्र, कांग्रेस ऑफिस, नई दिल्ली से।